आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के इंतजामिया ने 7 माह कबल मुनाकिद होने वाले फर्स्ट ईयर कॉमर्स के नतायज इंतहाई खराब तनासब होने के सबब रोक दिए हैं। इस पर हम बात करते हैं डॉन्स के रिपोर्टर सैयद वसीम से। सैयद वसीम, ये बताइएगा कि आप नतायज तो रोक दिए गए, अब क्या इकदाम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, तलबा के लिए ये बात इंतहाई परेशान कुन है कि 7 माह कबल जो है वो नतीजा जारी होना था, जो नतीजा जारी नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि इंटर साल अव्वल के नतज का तनासब बमुश्किल 31% है, जो कि गुजशत साल इम्तहान साल 2022 के मुकाबले में 15% से भी कम है। बोर्ड इंतजामिया को खदशा है कि अगर ये नतज जारी हो गए तो जो पहले फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के नतज में जो गंभीर मसले खड़े हुए हैं और तलबा जो है वो सरापा एहतियाज हैं, फिर एक और पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है। कॉमर्स रेगुलर के हजारों तलबा एहतियात का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। इसी तनाजुर में जो है वो इंटरमीडिएट बोर्ड की इंतजामिया ने अब तक नतीजा जारी नहीं किया है कॉमर्स के नतज का, फर्स्ट ईयर कॉमर्स के नतज का। जबकि दूसरी जानब जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर नसीम मेमन, उनको बरतरफ करके जो बोर्ड का नया चेयरमैन का चार्ज कमिश्नर कराची को दिया गया था, अब तमाम दोबारा से अदालती फैसले के बाद नसीम मेमन को बोर्ड का चेयरमैन तैनात कर दिया गया है और उनके तैनाती के बाद ही जो है वो ये नतीजा जारी होने जा रहा था कि इस नतीजे को दोबारा से रोक लिया गया है कि ये इंटर साल अव्वल कॉमर्स 2023 का नतीजा है जिसको जिसका तनासब जो है वो इंतहाई खराब है और इसी वजह से इसको दोबारा से जारी होने से रोक दिया गया है। जी सैयद वसीम, बहुत शुक्रिया आपका।